हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च भरकर। स्टार्ट करते हैं। दो शिमला मिर्च हम वॉश कर लिया है और इसको यहाँ से कट कर दिया है। देखिए, और फिर इसका ये कट करके इसमें से जो निकला ये है। अब बाकी हम चीज काटते हैं। प्याज प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे। देखिए, हमारा प्याज कट हो गया। अब हम मिर्ची काट लेते हैं। ये बीच में से इसको ऐसे करके छोटा छोटा कटिंग कर दीजिएगा। एक टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये सब सब कटिंग हो गया है। इस आलू को थोड़ा मेस लेते हैं हाथ से ऐसे करके। ये मेस लिए आलू को। अब इसमें हम तेल डालेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया। इसमें हम जीरा डाल रहे हैं। इसमें एक तेज पत्ता, मिर्ची, प्याज, इसको थोड़ा ब्राउन होने तक भून देंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, कटा हुआ टमाटर और जो शिमला मिर्च में से निकला था छोटा छोटा मिर्ची। लगभग ये अब भून गया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। एक चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सबको मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे आलू, मिर्चा हुआ, इसको कम आंच में चलाना है। ये कितना अच्छा कलर लग रहा है। थोड़ा हींग पाउडर, थोड़ा काला मिर्च, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लगभग तैयार हो गया है। इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ धनिया। मिला देंगे। अब हमारा ये तैयार हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे। अब शिमला मिर्च को भर देंगे। देख सकते हैं दोनों शिमला मिर्च हमारे भरा गए हैं। अब इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हम फिर इसमें तेल, थोड़ा तेल डालेंगे। और उसको थोड़ा गर्म होने देंगे तेल को। अब हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। और इसको ढक देंगे। इसको ढक ढक के ना
करना है जिससे ये जल्दी सीज जाए। इसको कम आंच में करना है और बीच बीच में खोल के उसको चलाते जाना है। और इसको इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालना है ऊपर से। फिर ढक के रख देना है। इसको बीच बीच में खोलते रहना है और चलाना है और इसको कोशिश करिए कम आंच में ही बनाए, ऐसे ये पूरा जल जाएगा और सिझेगा भी नहीं। और बीच बीच में इसमें काला नमक डालते रहिए तो इसका स्वाद और अच्छा आएगा। इसमें ये काला नमक सोख लेगा तो इसका स्वाद और बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए इसमें नमक डालते रहिए और जल्दी सिझ भी जाता है। देखिए लगभग ये पूरा सिझ चुका है, ऐसा कलर आने तक इसको सिझाना है। अब गैस बंद कर देते हैं। देखिए फाइनली हमारा ये तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में और अच्छा टेस्ट आता है। घर में जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा।